हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो इंडिया का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, तो पेनिनसुलर रिवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कौन कौन सी रिवर हैं। और देखिए, जो कैटेगराइजेशन है पेनिनसुलर रिवर का वो है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं उसे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहते हैं, और जो वेस्ट की तरफ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो जाते हैं उसे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सुबर्ण रेखा, पिनार, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और जो वेस्टर्न है वो है नर्मदा और साबरमती, तपती, तो ये सब कुछ वेस्टर्न इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो देखिए, जो साबरमती नदी है वो ओरिजिनेट होती है मेवाड़ से, और मेवाड़ पड़ता है अरावली हिल जो कि राजस्थान में है, मेवाड़। और ये गल्फ ऑफ खंबत, तो देखिए अगर ये मैं गुजरात बनाऊँ और ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट बताऊँ तो यहाँ पड़ता है गल्फ ऑफ खंबत, तो ये ओरिजिनेट होती है, और अरावली हिल्स यहाँ पर कहीं पड़ता है, और ये फिर गल्फ ऑफ कम्बर्स में जाकर गिरती है। तो वो तपती, तो जो तपती नदी है वो पड़ती है, देखिए सूरत जो इंपॉर्टेंट शहर है ये तपती नदी के किनारे बसा है सूरत, जिसे डायमंड सिटी भी कहते हैं या सिल्क सिटी भी कहते हैं। और ये ट्विंस ऑफ नर्मदा कहलाती है, और ये मुल्ताई जगह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से ओरिजिनेट होती है। और उकाई डैम जो है, UKAI उकाई डैम, इस पे लोकेटेड है। और जो तीसरी नदी है लूनी, तो जो लूनी रिवर है वो देखिए अन्ना सागर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो लूनी एक ऐसी नदी है जो अरेबियन सी तक पहुंच नहीं पाती। लूनी और झग्गर, ये दोनों नदी, झग्गर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, और ये भी रन ऑफ कच्छ में जाकर एंड अप हो जाती है या ड्राई अप हो जाती है। इनफैक्ट लूनी भी ड्राई अप हो जाती है यहां तक। तो उसके बाद जो रिवर है माही, तो माही ओरिजिनेट होती है विंध्यान रेंज से, विंध्यान रेंज से ओरिजिनेट होके ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीन स्टेट्स में आती है। और सारावती, तो सारावती का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जिसको बोलते हैं जॉग फॉल या गरसुप्पा फॉल, और इस पे जो डैम है वो सॉरी, तो ये लोकेटेड है गरसुप्पा वाटरफॉल, और ये पड़ता है कर्नाटका में, और इसे गांधी फॉल भी कहते हैं कभी कभी। तो और उसके बाद जो पुंबा है, पुंबा या एक और नदी परियार है, और भरत पूजा, ये तीन नदियां जो है ये पड़ती हैं केरला में, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया हुआ है। तो ये कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो ये पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, आप देख सकते हैं, देखिए नर्मदा नदी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये है नर्मदा। गोदावरी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कावेरी ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। महानदी जो कि ईस्टर्न पार्ट में है और बे ऑफ बंगाल में फाइनली गिरती है। सारावती वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, लूनी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, तापी तो ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। तो गोदावरी रिवर सिस्टम, तो गोदावरी जो नदी है इसे कहते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, तो साउथ की गंगा इसे कहते हैं, और इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। तो गंगा के बाद जो सबसे लंबी नदी है इंडिया की वो है गोदावरी। इनफैक्ट जब आप कोई नदी जो प्योरली कम्प्लीटली जो इंडिया में फ्लो करती है अगर उसकी बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे है। तो सबसे लंबी नदी जो इंडिया में ओरिजिनेट होके और कम्प्लीटली इंडिया में फ्लो करती है उसे कहते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, वो है गोदावरी। और गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये जो ओरिजिनेट होती है ये है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक में पड़ता है जो कि महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर फेमस टेम्पल भी है त्र्यंबकेश्वर। और देखिए इसकी जो बेसिन है ये थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इंडिया में, देखिए अगर ये गोदावरी है और ये यहाँ पर जाकर डेल्टा फॉर्म करती है और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो इसकी जो बेसिन है वो इंदस और गंगा के बाद तीसरी सबसे लंबी बेसिन है। इनफैक्ट जो कृष्णा नदी है वो नीचे से आती है और यहाँ पर जो डेल्टा फॉर्म करती है, तो यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है, और इसे कहते हैं राइस ग्रैनरी ऑफ इंडिया, तो साउथ इंडिया, राइस ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया। और जब जो गोदावरी नदी है जब वो इंटर करती है अदिलाबाद में, अदिलाबाद में वो तेलंगाना में इंटर करती है, और फाइनली फिर आंध्र प्रदेश में इंटर करती है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंड्री, वहां से ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं वृद्ध गौतमी, और दूसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं वशिष्ठ गोदावरी, और फिर ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवाइड होती है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये इतना बात आपको गोदावरी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सबसे लंबी नदी है कृष्णा, जिसकी लंबाई 2520 किलोमीटर,
फिर गोदावरी आती है और 1465 किलोमीटर, फिर 1400 किलोमीटर के अप्रॉक्स कृष्णा, और फिर 1376 किलोमीटर के यमुना है। तो आगे बढ़ते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो इंडिया में फ्लो, जो इंडिया में है, और जो दूसरी सबसे लंबी नदी है अगर आप बात करें कि कोई नदी जो प्योरली इंडिया में फ्लो करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है और ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। इसकी कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है और ये फोर स्टेट्स में फ्लो करती है। और जो फोर स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और देखिए इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है तुंगभद्रा, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की मैं बात कर रहा हूँ भीम, तो तुंगभद्रा जो है इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरी है मूसी, और मूसी हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के किनारे बना हुआ है, और जो सब ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। और इनफैक्ट जो है भीम जो ट्रिब्यूटरी है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी कुल लंबाई है 861 किलोमीटर और तुंगभद्रा की लंबाई है 531 किलोमीटर। और जो नागार्जुन सागर और अलमट्टी डैम है इसके ऊपर लोकेटेड, और कहते हैं कि इसकी जो डेल्टा थी उस तो पुराने समय में जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसका जो रीजन था ये कृष्णा रिवर का डेल्टा हुआ करता था। और जो इंपॉर्टेंट शहर जो कृष्णा नदी के किनारे है वो है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। महानदी, महानदी ईस्टर्न पार्ट में है। देखिए इस नदी का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो कन्फर्म नहीं है, कहते हैं धमतारी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद ये रायपुर आती है, तो रायपुर इंपॉर्टेंट शहर जो है इस पे पड़ता है। और महानदी उसके बाद फिर दो स्टेट में फ्लो करती है, एक छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट शहर जो इसके बैंक पे पड़ता है वो है संबलपुर और कटक। तो देखिए जिसको कुल लंबाई है महानदी की वो है 858 किलोमीटर्स, और ये सीजनल रिवर है इंडिया का। और जो हीराकुड डैम है, जो इंपॉर्टेंट हीराकुड डैम है जिसको वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट डैम कहते हैं, लार्जेस्ट डैम जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, और ये सेवंथ लार्जेस्ट नदी है इंडिया की आफ्टर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर है और ये सेवंथ लार्जेस्ट रिवर है। तो देखिए उसके बाद जो नदी आता है वो है कावेरी। कावेरी साउथ इंडिया का इंपॉर्टेंट रिवर है जिसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर्स, और ये ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, फिर कर्नाटक में फ्लो होते हुए ये तमिलनाडु में इंटर करता है। काफ़ी वाटर डिस्प्यूट चलता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर जो है साउथ का। तो अब नेक्स्ट रिवर जो है नर्मदा। तो नर्मदा देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और नर्मदा को बोलते हैं रेवा, इसका दूसरा नाम जो है रेवा है, और इसको रिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं संस्कृत में। नर्मदा का मतलब होता है रिवर ऑफ प्लेजर। इसकी जो ओरिजिन है ये है नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड जो कि अमरकंटक खेल में पड़ता है, अमरकंटक, और ये पड़ता है सहदोल जो कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है वहां पर पड़ता है ये। और कहते हैं ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। और जो मध्य प्रदेश है उसको कहते, इस नदी को कहते हैं मध्य लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, और मेजर इरिगेशन जो है मध्य प्रदेश का वो डिपेंडेंट है इस नर्मदा नदी पे। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, और इसका जो पानी है वो गल्फ ऑफ कैम्बे, ये देखिए ये गल्फ ऑफ कैम्बे पड़ता है और इसका सारा पानी यहाँ पर ड्रेन होता है गल्फ ऑफ कैम्बे में। और जो ये जो नदी है ये सतपुरा पहाड़ी, सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है पंचमढ़ी बोलते हैं, और ऊपर में जो है विंध्यान रेंज है, तो इन दोनों के बीच से ये फ्लो करती है रिवर और ये फाइनली गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है मार्बल का, तो ये मार्बल का रॉक आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे। इनफैक्ट जो ओमकेश्वर जो मंदिर है वो भी इस नदी के किनारे लोकेटेड है। जिन इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो है तवा, शेर, कुंडी, और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है हिरन, कोलार और मन रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है गाइस। और एक और बात बता दूं कि इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 1077 किलोमीटर। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए नर्मदा के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, कीप सब्सक्राइबिंग अस, और कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।